हेलो गाइस, टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इटालिया का ये सैंडविच मेकर है, इसे हम आपको रिपेयर करना बताएंगे। इसका हम सबसे पहले सप्लाई वायर चेक करेंगे। यहाँ से सप्लाई कैप खोल लेंगे। सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से सबसे पहले इसके सप्लाई देंगे। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है। अब हम इसका मेन केबल चेक करेंगे। इसका हम सबसे पहले केबल चेक करेंगे। पहले हम रेड वायर पे देंगे सीरीज का वायर। ये टेस्लेम का बल्ब जल रहा है सीरीज वायर पे, रेड वायर सही है। और एक ब्लू वायर है वो भी सही है। और ये अर्थिंग का वायर है, येलो वायर, वो भी सही है। यानी केबल सही है मेन सप्लाई का। अभी हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ दो पुश बटन है, यहाँ से डिस्क को खोल ले। दो पुश बटन है जैसा कि आप देख रहे हैं। कॉइल है, दो कॉइल है। अभी हम ये प्लेट खोलेंगे कॉइल चेक करने के लिए। ये एक प्लेट का कॉइल चेक करेंगे सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से। सैंडविच मेकर का एक कॉइल सही है। बॉडी अर्थ भी चेक कर लेंगे। बॉडी अर्थ नहीं बता रहा है, कंटिन्यूटी बराबर बता रहा है। और ये जो है थर्मोस्टेट है, इसको भी हम चेक कर लेंगे। ये कंटिन्यूटी बता रहा है बराबर, थर्मोस्टेट जो कंटिन्यू टेस्ट होता है। अभी हम इसका दूसरा कॉइल चेक करेंगे।
ये प्लेट का चार स्क्रू खोल लें। ये चार स्क्रू खुल चुका है। ये दूसरी प्लेट का कनेक्शन है। कॉइल चेक करेगा सीरीज टेस्टर की मदद से। ये कंटिन्यूटी बता रहा है बराबर है कॉइल। इसका हम बॉडी टेस्ट कर ले, बॉडी टेस्ट नहीं है। ये कंटिन्यूटी बता रहा है। इसमें केबल भी बराबर है, कॉइल भी बराबर है। अभी अभी इसमें एक फ्यूज आता है, वो चेक करेगा। फ्यूज़ स्लीव के अंदर होता है, ऐसे जाहिर देखने से पता नहीं चलेगा कि फ्यूज़ है। मेन सप्लाई के साथ जुड़ा होता है। पहले सप्लाई इसमें आती है फ्यूज़ में, और फ्यूज़ से कॉइल में जाती है। तो हम आपको बताएंगे, ये फ्यूज़ है। इसको हम सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से चेक करेंगे कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, ये फ्यूज़ उड़ा हुआ है। हम ये फ्यूज़ को बाईपास कर देंगे वायर की मदद से। एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले, वायर को इस तरह छील ले। और एक साइड ट्विस्ट मार दे। और यही फ्यूज़ के दूसरी साइड भी ट्विस्ट मार दे, जिससे इसकी कंटिन्यूटी पूरी हो जाएगी। जिससे पूरा वायर फ्यूज़ का काम करेगा। अब हम इसका कंटिन्यूटी टेस्ट कर ले। ये टेस्ट लैंप जल रहा है। अब ये कंटिन्यूटी बराबर बता रहा है। ये वायर जो हमने जॉइंट किया, ये फ्यूज़ का काम करेगा। अभी हम ये स्लीव अंदर डाल देंगे। ये हमने स्लीव चढ़ा दिया है। अभी हम कॉइल फिट करेंगे। इसका कनेक्शन वायर डालेंगे सप्लाई का। पहला सप्लाई कॉइल में आता है फ्यूज के थ्रू। इसको हम इस तरह लगा दें। अच्छे से फिट कर दे, लॉक कर दे, लूज कनेक्शन ना रहे। मेन वायर बाहर निकाल दे।
अभी हम यहाँ फिट करेंगे। अब यहाँ प्लेट फिट करेंगे। एक के बाद एक चार स्क्रू चढ़ा दे। इसी तरह दूसरा कॉइल भी फिट कर दे। थर्मोस्टेट बराबर सेंटर में बिठा दे। ये स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग पहले नीचे बिठा दे। उसके बाद थर्मोस्टेट रख दे, सेंटर में रख के इस तरह प्लेट फिट कर दे। उसके बाद ये चार स्क्रू मार दे फिटिंग के। ये हमारा कॉइल फिटिंग हो चुका है। इसके ऊपर हम डिश बिठा दें। लॉक करके अच्छे से बिठा दें। दूसरी प्लेट भी बिठा दें लॉक करके। अच्छे से लॉक कर दे। अब ये फिटिंग हो चुका है। अब हम इसका मेन कनेक्शन करेंगे। मेन सप्लाई केबल ज्वाइन करेंगे। इसका मेन सप्लाई के बाद देंगे, रेड वायर रेड के साथ देंगे।
येल्लो वायर येल्लो के साथ देखें जो अर्थिंग का है। और ब्लू वायर ब्लू के साथ देखें जो न्यूट्रल है, थ्री कोर केबल है। और इसे हम इंसुलेटिंग टेप मार दें जिससे एक दूसरे में वायर शॉर्ट ना हो, बॉडी अर्थ ना हो। तीनों वायर पे के बाद एक टेप मार दे। ये वाला कनेक्शन हो चुका है। अभी हम मेन सप्लाई पे सीरीज टेस्टिंग मदद से चेक करेंगे। तो गाइज यहाँ इंडिकेटर चालू हो गया है, रेड और ग्रीन। ये सीरीज में चेक कर रहे हैं, अभी हम इसको डायरेक्ट पैरेलल में चेक करके बताएंगे डायरेक्ट सप्लाई में। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं ये गर्म हो चुका है, यहाँ पानी डालने पर खोल रहा है पानी। हमारा सैंडविच मेकर कंप्लीट हो गया है वायरिंग के साथ, इसको रिपेयर किया है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।